बीसीसीआई ने किया 125 करोड़ की प्राइस मनी का ऐलान तो पाकिस्तान के उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, रोहित की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीतकर 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया, जिसके बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ की प्राइस मनी का ऐलान कर दिया, जिसे देख पाकिस्तान के होश उड़ गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम से लेकर शोएब मलिक ने इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हाँ, आपको बताएंगे किसने क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर टीम इंडिया ने दूसरी बार विजेता बनी है। 13 सालों के इंतजार के बाद कप के साथ भारतीय खिलाड़ी ICC की तरफ से दी जाने वाली भारी भरकम प्राइज मनी लेकर वापस लौटेंगे। इस बीच BCCI ने भी टीम के इस शानदार प्रदर्शन के बाद बड़ा ऐलान किया है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी घोषित की गई है। इस बात की जानकारी खुद BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए का इनामी राशि दी जाएगी। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक्सेप्शनल टैलेंट, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार प्रदर्शन किया है। इस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई। दोस्तों बता दें कि इस बार ICC ने T20 वर्ल्ड कप का कुल प्राइज पूल करीब 93 करोड़ रुपए रखा था। ये कीमत अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इसमें से इंडिया को लगभग 20 करोड़ रुपए, ये किसी टूर्नामेंट के इतिहास में दी गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। वहीं इसके बाद जय शाह ने टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। इससे पहले आज तक किसी भी बोर्ड ने अपनी टीम को इतना बड़ा रकम नहीं दी है। जय शाह के इस ऐलान के बाद तो पाकिस्तान में बवाल मच गया। इतने पैसे देख पाकिस्तानी दिग्गजों के होश उड़ गए और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, BCCI ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ प्राइस मनी का ऐलान कर दिया। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। इतने पैसे तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कभी जिंदगी में भी नहीं देखी होगी। जय शाह की भी खुशी समझ में आती है। उनके पिता की पार्टी इलेक्शंस जीत गई, टीम इंडिया वर्ल्ड T20 जीत गई। इससे ज्यादा खुशी की बात जय शाह के लिए क्या हो सकती है। जय शाह टीम इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से उनकी टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। 125 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने 140 करोड़ लोगों के दिल जीते हैं, इससे बड़ी प्राइस मनी और कुछ नहीं हो सकती है। वही दोस्तों, इसके बाद वसीम अकरम ने कहा, BCCI ने तो प्राइस मनी इतनी बड़ी अनाउंस कर दी है कि इसमें पूरा PCB बिक सकता है। वही पाकिस्तान की आधी से ज्यादा GDP तो ये BCCI की प्राइस मनी है। अब इसको लेकर पाकिस्तान बवाल कर रहे हैं कि क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि BCCI जो पैसे कमाते हैं वो टीम इंडिया से ही कमाते हैं। ऐसे में अगर वही पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। वही शोएब मलिक ने इस पर कहा, इतना बड़ा प्राइस मनी सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मैंने BCCI से ये उम्मीद नहीं की थी। 125 करोड़ को पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करे तो ये 416 करोड़ होते हैं। जहां पर 7000 करोड़ में IPL की एक टीम बिकती है, वहां पर 125 करोड़ क्या चीज है। मेरे हिसाब से तो ये प्राइस मनी कम है। ज्यादा से ज्यादा एक एक खिलाड़ी को 5 से 6 करोड़ मिलेंगे और ये रकम तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे पाकिस्तानी दिग्गजों के BCCI के प्राइस मनी पर। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। वही अब भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बड़े बयान सामने आए हैं, तो किसने क्या कह दिया है, टीम इंडिया की जीत पर सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई। मुझे काफी खुशी है कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो एशिया में ही आया है। बाकी मेरे हिसाब से भारत की टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करती थी। भारत की पूरी टीम एकजुट होकर खेली और उनको उसका फल भी मिल गया है। मेरे हिसाब से फाइनल में जो पारी विराट कोहली ने खेली वो भारत के लिए मैच विनिंग इनिंग थी। बाकी गेंदबाजी भी भारत से अच्छी देखने को मिली, जिसके बाद में मोहम्मद रिजवान ने बात करते हुए कहा कि वेल डन टीम इंडिया, मान गए आपके हौसले को। भारत की इस जीत का कोई एक हीरो नहीं है,
बल्कि भारत की पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर कोई एक खिलाड़ी वर्ल्ड कप आपको जीता देता तो कोहली ने आज तक हमेशा रन बनाए थे, लेकिन भारत वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, इसलिए ही तो कहते ही टीम वर्क इज गुड। भारत की वर्ल्ड कप जीत का क्रेडिट है जो इंडियन गेंदबाजों को जाना चाहिए। किस तरह से उन्होंने है मैच में गेंदबाजी की वो लाजवाब थी। वही मोहम्मद आमिर ने कहा कि भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई, मेरी तो पाकिस्तान के बाद भारत ही फेवरेट टीम है। मैं हमेशा कोहली का प्रशंसक रहा हूँ, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कोहली बड़ा खिलाड़ी है और वो बड़े मैच का प्लेयर है। आज उसने भारत को वर्ल्ड कप जिताकर साबित भी कर दिया। बाकी भारत की इस वर्ल्ड कप में जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाना चाहिए तो वो जसप्रीत बुमराह है। बुमराह ने वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी की और साथ में उन्होंने अर्शदीप को भी काफी बेहतर बनाया है, जिसके बाद में शाहीन अफरीदी ने कहा कि भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई। मुझे पहले से पता था कि अफ्रीका ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। अफ्रीका हर बार की तरह इस बार भी चौक कर गई। अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बुमराह के खिलाफ काफी डिफेंसिव बैटिंग की और उन्होंने दबाव ले लिया। बाकी भारत ने तो दिखा दिया है कि क्यों वो वर्ल्ड क्लास टीम है। रोहित की कप्तानी इस वर्ल्ड कप में लाजवाब रही। उन्होंने कोहली और दुबे को बेक किया और दोनों ने ही भारत के लिए फाइनल में रन बनाए। वही गेंदबाजों का भी इस्तेमाल रोहित ने अच्छा किया। तो दोस्तों, ये कुछ बयान थे जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिए हैं। वही इन सब के बयान के फुल वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आपके हिसाब से भारत की इस जीत का हीरो कौन है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वर्ल्ड कप हारने के बाद रोने लगे साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी, तो रोहित ने कुछ ऐसा किया जिसने साउथ अफ्रीकी दिग्गजों का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, सभी अफ्रीकी खिलाड़ी रो रहे थे, हेनरी क्लासेन, केशव महाराज, क्विंटन डिकॉक, लेकिन सबसे ज्यादा रोते हुए तबरेज शमशी को देखा गया। उनकी पत्नी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उस वक्त टीम इंडिया अपने सेलिब्रेशन में बिजी थी, लेकिन जब रोहित शर्मा ने तबरेज शमशी को रोते हुए देखा तो वो अपना सेलिब्रेशन छोड़कर शमशी के पास जाते हैं और उन्हें कंसोल करते हैं। रोहित के इस जेस्चर्स ने सभी का दिल जीत लिया। इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यही नहीं दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब टीम इंडिया अपने सेलिब्रेशन में बिजी थी तो कप्तान रोहित सबको बुलाते हैं और पहले अफ्रीकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने कहते हैं। डेविड मिलर ने भी मैच के बाद एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बात करते हुए रोहित की तारीफ की थी। वही अब इस पर साउथ अफ्रीकी दिग्गजों ने भी रिएक्ट किया है। सबसे पहले डेल स्टेन ने कहा, इसी वजह से रोहित शर्मा की लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो डाउन टू अर्थ इंसान है। अपना सेलिब्रेशन छोड़ वो तबरेज शमशी के पास गए उन्हें कंसोल करने, इससे मेरा रोहित के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया है, इसलिए सब उन्हें एक महान कप्तान और खिलाड़ी के अलावा एक महान इंसान भी मानते हैं। इसके बाद एबी डी विलियर्स ने कहा, सलाम है रोहित तुमको, फाइनल जीतने के बाद भी ऑपोजिट टीम को आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, यही आपको एक महान कप्तान बनाता है। जीत के बाद भी आपने कोई अग्रेशन नहीं दिखाया और ग्रेसफुली इस जीत को सेलिब्रेट किया, इस चीज ने मेरा दिल जीत लिया।